अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ने पर बोल पड़े आखिरकार क्रिकेट के महान दिग्गज क्या। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन गिल के शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। इसी के साथ गिल ने अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। इसको देखकर क्रिकेट के महान पंडितों ने बयान देना प्रारंभ कर दिया है और एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी कानों पर आपको यकीन नहीं होगा। तो आखिरकार गिल की बेहतरीन पारी को देख क्रिकेट दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे, साथ ही साथ गिल के रिकॉर्ड के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर भारतीय टीम अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उस्मान ख्वाजा ने 180 और कैमरॉन ग्रीन ने 114 रन बनाकर अपनी टीम को 480 रन तक पहुंचाया। अंत में टॉड मर्फी ने उपयोगी 41 रन बनाए। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लेकर कंगारू टीम की पारी को समेटा। इसके जवाब में भारत ने भी शानदार शुरुआत की। रोहित 35 और पुजारा 42 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बनाए। विराट कोहली के अर्धशतक के चलते भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 289 रन बना लिए हैं, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने 59 और रविंद्र जडेजा ने 16 रन की नाबाद पारी खेली है और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 191 रन पीछे और उसके 7 विकेट बचे हुए हैं। ऐसे में शुभमन गिल ने भारत के अंदर दूसरा मैच खेलते ही शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है, जिसके बाद दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि शुभमन गिल भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन चुके हैं। अब उनको रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल भारत के लिए संकट मोचन बन चुके हैं। जब जब भारत को आवश्यकता पड़ी है, तब तब गिल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट से बेहतरीन प्लेयर बन चुके हैं और अब इनके द्वारा कई रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, जिनको रोक पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल आने वाले समय में विराट कोहली की भूमिका भारतीय टीम के लिए निभाने वाले हैं। जहां पर गिल कार्य कर रहे हैं, जो शुरुआत में विराट कोहली युवा होने के बावजूद करते थे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज बन चुके हैं, अब इनको रोक पाना बेहद मुश्किल है। मुझे लगता है कि इस गिल इसी तरीके से आगे कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल इस समय सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन सबसे बेहतरीन तरीके से करते हुए जीत हासिल कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल अभी सिर्फ कुछ रिकॉर्ड तोड़ पाए हैं और आने वाले समय में वो कई बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उनके इस तूफान प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और मुझे लगता है आने वाले समय में वो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल आने वाले समय में विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।